हेलो बच्चों, अपना आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, भर्जन और निस्तापन में अंतर। अपन कहते हैं, देखो सुनना ध्यान से, अपन ये कहते हैं कि भाई अयस्क को ऑक्साइडों में बदलना है, अयस्क को ऑक्साइडों में बदलना है। तो ऑक्साइडों में बदलने के लिए अपन दो मेथड काम में लेते हैं, भर्जन और निस्तापन, ठीक है ना। तो कौन से मेथड को कब काम में लेना, इसको अच्छे से देखेंगे अपन लोग, उनमें क्या होता है वो बात करेंगे। तो अपन कहते हैं, देखो क्या अयस्कों का उनके ऑक्साइडों में परिवर्तन परिवर्तन, ठीक है। इसके लिए अपन कहते हैं दो मेथड काम में ले जाते हैं, ठीक है। पहला मेथड कौन सा है, अपन कहते हैं निस्तापन, ठीक है। निस्तापन इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस, और दूसरा अपन कहते हैं भर्जन भर्जन, ठीक है ना। रोस्टिंग प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं। अब देखो सुनना ध्यान से, दोनों ही प्रोसेस अयस्कों को उनके ऑक्साइडों में कन्वर्ट करने वाली है, ठीक है ना। और लेकिन अपन कहेंगे कि इस निस्तापन प्रोसेस को कब काम में ले जाता है और भर्जन प्रोसेस को कब काम में ले जाता है, तो इसके लिए अपन देखें डिफरेंस भी हो जाता है साथ साथ। अपन सबसे पहले लेके चल रहे हैं निस्तापन को अपन लेके चल रहे हैं निस्तापन, ठीक है। अब देखो सुनना ध्यान से, निस्तापन कब काम में लेंगे। अपन कहते हैं इसके लिए इम्पोर्टेंट सी बात कि निस्तापन प्रोसेस जब काम में ली जाती है, जब कभी अयस्क या तो पहले से ऑक्साइड के फॉर्म में हो, ठीक है, या थोड़ा गर्म करने पर आसानी से ऑक्साइड में बदल जाता है, तो अपन कौन से प्रोसेस काम में लेंगे, निस्तापन प्रोसेस काम में लेंगे। वो फिर से आप से बात कर दें कि दोनों ही विधियां अयस्कों को उनके ऑक्साइडों में कन्वर्ट करने वाली है, लेकिन स्पेशली निस्तापन प्रोसेस जब काम में लेते हैं तब कब लेते हैं, तब लेते हैं जब अयस्क या तो पहले से ऑक्साइड के फॉर्म में हो या फिर थोड़ा सा गर्म करने पर कैसे बदल जाता हो, ऑक्साइड में बदल जाता हो, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे कि जो सांद्रण से प्राप्त सांद्रित अयस्क होता है, तो अपन कहते हैं सांद्रित अयस्क को धातु के गलनांक ताप से कम ताप पर परावर्तनी भट्टी में गर्म करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है, 1 मिनट, गर्म करने की प्रोसेस कब, वायु की एब्सेंस में। वापस से बोलते हैं, सांद्रण से प्राप्त सांद्रित अयस्क को धातु के गलनांक ताप से कम ताप पर, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। अब निस्तापन में एक वर्ड आया क्या, परावर्तनी भट्टी। तो परावर्तनी भट्टी देखिए बिल्कुल सिंपल सी है, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ परावर्तनी भट्टी की, बिल्कुल सिंपल सा है। ये लो आ जाओ, देखो मैंने क्या किया, कुछ नीचे एक दो लाइन तीन लाइन खींची है, उसके बाद देखो एक बार सुनना, ये अपन को थोड़ा सा घुमावदार है, सख्ती बनानी है वैसे आ गया, ठीक है। और ये चिमनी के लिए आपको जगह छोड़ देनी है, चिमनी बन गई आपकी, यहाँ पे चूल्हा आप बनाओगे आप लोग, ये लो चूल्हा, ये आपका चूल्हा बन गया, ठीक है। और ये जो छत है इसको बोलते हैं मेहराबदार छत, कैसा, मेहराबदार छत छत आपने बनाई है। यहाँ पे ये क्या है, चूल्हा है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हो, ईंधन को जलाते हो, ध्यान रखिए आपका जो अयस्क है, ठीक है, वो फायर के संपर्क में, आग के संपर्क में सीधा नहीं आता, उसकी लपटें लगती हैं ऐसे, देखो ये आग की लपटें जाती हैं, उसमें जाती है, फिर यहाँ पे टक जाएगी, और आपका जो ओस होगा सामने जो अयस्क है उसको आप लोग यहाँ पे रखोगे, क्लियर। ये आपका क्या है, अयस्क, ये क्या है, ईंधन, ठीक है। और ये क्या है आपकी चिमनी। अब देखो इसमें सुनना, इसमें वायु के लिए छिद्र होते हैं, उनको अपन जब अपन लोग निस्तापन करवाते हैं तो उन छिद्रों को बंद कर देते हैं, जब भर्जन करवाते हैं तो उन छिद्रों को खोल देते हैं, व्यवस्थाएं है। ठीक है, चिमनी में फिर अनवांटेड गैसें बाहर निकल जाती है। ये आपका चित्र है किसका, परावर्तनी भट्टी का, ठीक है ना। अब होता क्या, सुनना ध्यान से, अपन कहते हैं कि निस्तापन में कब काम लेंगे, ऐसा क्या तो पहले से हो या फिर थोड़ा सा गर्म करने पर बदल जाता हो। तो देखो वो सुनना, मैं कुछ एक प्रोसेस बताता करता हूँ साथ साथ, जिनमें ये प्रोसेस चलते हैं। देखो जैसे जैसे बॉक्साइट अयस्क है, देखो सुनना ध्यान से, Al2O3 डॉट
H2O। अगर अपन इसको क्या करें, गर्म करें, अपन इसको क्या करें, गर्म करें, तो इसमें से वाटर मोलिकुल अलग Al2O3 प्लस में क्या आ गया टू एच टू, तो वाटर मोलिकुल अलग और एसिड आपका अलग, समझे। तो यहाँ पे अपन को केवल क्या करना पड़ रहा है, गर्म कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल अलग रिलीज हो रहे हैं और आपका एसिड आपका अलग आ रहा है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे क्या कहला रही है, निस्तापन कहला रही है। क्या कहला रही है, निस्तापन, कैल्सिलेशन कहला रही है। और देखते हैं जैसे जैसे लाइम स्टोन है, ठीक है, तो क्या ऑक्साइड है, लाइम स्टोन लेते हैं CaCO3, ठीक है आपका लाइम स्टोन, ठीक है। लाइम स्टोन को जब अपन गर्म करते हैं तो लाइम स्टोन टूट जाता है किसमें, CaO में कैल्शियम ऑक्साइड में CO2 गैस को क्या कर देता है, रिलीज करता है। तो आपने देखा कि ये ऑक्साइड में तो नहीं था पहले से, लेकिन क्या था, कार्बोनेट में था। जैसे अपन इसको गर्म किया, निस्तापन की प्रोसेस कंप्लीट कराई, तो ये क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, यानी कि अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और देखते हैं जैसे और कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि ये आपका भूरा हेमेटाइट लेते हैं उदाहरण, जैसे क्या भूरा हेमेटाइट लेते हैं Fe2O3, ठीक है, Fe2O3.3H2 इसको बोलते हैं भूरा हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है। इसको जब अपन लोग वही निस्तापन के प्रोसेस कराते हैं, गर्म करते हैं, निस्तापन देते हैं अपन लोग इसको, तो ये भी टूट जाता है किसमें, Fe2O3, और आपको साथ में क्या मिलता है, प्लस H2, ठीक है। और देखते हैं अगले प्रोसेस, जैसे कि अपन कहते हैं देखो ये अभी अभी करके आए थे थोड़ी देर पहले, अपन लोगों ने वो प्रोसेस देखे थे लीचिंग प्रोसेस, उसमें भी अपन कराया था, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं अपन लोग, निस्तापन के प्रोसेस कंप्लीट करवा रहे हैं, निस्तापन करवा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो अपन ने देखा ये भी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Al2O3, और साथ में आपको क्या मिल रहा है, या फिर साथ में आपको मिल रहा है H2O। तो ये देखो ये आयस अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और देखते हैं कुछ मेथड, जैसे जैसे कि एग्जांपल है डोलोमाइट का MgCO3, ठीक है, .CaCO3, इसको बोलते हैं डोलोमाइट, ठीक है। इसको भी जब अपन लोग गर्म करते हैं, निस्तापन के प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं, तो ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं, Mg मैग्नीशियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है MgO में, कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है CaO में, और साथ में आपके पास क्या रिलीज होती है, तो CO2 मॉलिक्यूल जाके रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे कि आपका ये है ZnS, ZnCO3 जैसे आपका, तो ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका नाम बड़ा ही शानदार है, कैलामाइन, ठीक है। इसको भी अपन लोग गर्म करते हैं, रोस्ट, कैल्सिनेशन के प्रोसेस अपन कंप्लीट करवाते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है, ZnO में बदल गया, और साथ को आपको क्या आ गया, Zn/CO2 आपके लिए हो गई। तो ये प्रोसेस क्या है, आपकी कैल्सिनेशन की प्रोसेस है। अब कुछ बात करते हैं किसकी, भर्जन की बात करते हैं, आ जाओ, भर्जन क्या होता है, सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं, भर्जन, ठीक है। इस पर अपन कहते हैं भर्जन प्रोसेस को काम में कब लेते हैं, जब अयस्क, या भाई अपन कहते हैं जब अयस्क पहले से ऑक्साइड में नहीं होता और आसानी से ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता, कि जैसे आप देखो, ये देखो ध्यान से देखो, जैसे ZnS है, इसको तुम कितना ही गर्म कर लो वायु की एब्सेंस में, ये क्या ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या ये ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा वायु की एब्सेंस में, नहीं हो पाएगा। तो उस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, उस सिचुएशन में अपन कैल्सिनेशन की जगह रोस्टिंग प्रोसेस काम में लेते हैं, भर्जन प्रोसेस काम में लेते हैं। अब होता क्या है, सुनना, कि वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक ताप से कम ताप पर परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं, तो क्या कहलाती है, भर्जन प्रोसेस कहलाती है। इसमें अपन वायु की प्रेजेंस में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक ताप से क्या करेंगे, कम ताप पर गर्म करेंगे, ठीक है ना। तो वायु की उपस्थिति लेंगे अपन लोग, उपस्थिति लिखने के लिए बस केवल इतना लिख दो, भर्जन,
यानी कि वो जो अपन इतना भी डायग्राम बनाया था परावर्तित भट्टी का, उसमें जो एयर के लिए जो स्पेस होते हैं, छिद्र होते हैं, उनको खोल देते हैं, जैसे वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में क्या जाए, ऑक्सीजन आपकी आ जाए, ठीक है ना। तो देखो होता क्या, इसको कैसे कन्वर्ट करना, देखो सीधी तो नहीं होगी, अब कैसे होगी, देखो इसको कैसे करना पड़ेगा, अपन यहाँ पर लेना पड़ेगा साथ में ओजोन। जनरली ऐसे रिएक्शनों के लिए रेशो चलता है 2:3, 2 और 3 का रेशो लेके चलो, प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। कैसे, 2 ये और 3 ये, ठीक है। देखो जड़न तो कितने कन्वर्ट करना है, जड़नों में मैं बदल देता हूँ, कितने जड़न, फसलों से जितने बढ़ गए 2 जड़नों, और मेरे पास ऑक्सीजन कितने बचे अभी, मेरे पास 4, और सल्फर कितने बचे 2, तो मैंने क्या लिख लिया, सल्फर मेरे पास बचे 2, अपन निकाला 2 SO2, तो देखिए बैलेंस इक्वेशन आपकी निकल के आएगी, SO2 गैस चिमनी की नसों के बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप देखें, जैसे ये है PbS है, PbS है, गैलन एस बोलते हैं, इसको भी अपन सीधे कन्वर्ट नहीं कर सकते ऑक्साइड के फॉर्म में, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ता है, वर्जन कराना पड़ता है। वर्जन करवाते हैं आप लोग तो वही रेशो क्या लेके चलोगे, 2:3 क्या बन गया, PB किस में कन्वर्ट हो गए, 2 PbO में कन्वर्ट हो गया, आपको क्या मिल गया साथ में, 2 SO2 आपकी रिलीज हो गई, ठीक है। ऐसे आपके पास देखिए गैलन ऐसा हो गया, आप सिल्वर ग्लास की बात कर लेते हैं, Ag2S लिया अपन लोगों ने, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करना है आप लोगों को, अपन लिया O2, ठीक है ना, वो 2 ये अपन ने लिए, और ये कितने लिए, 3, क्या बन गया, 2 Ag2O, और प्लस मेरे पास यहाँ पर कितने हो गए 2, तो अपन क्या कर दिया, SO2 आपकी स्ट्रक्चर आपकी रिलीज हो गई। तो ये आपका क्या था, वर्जन था। वो एक कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट रिएक्शन कि बॉक्साइट एस जो हो गया, इसके बाद अपन कॉपर पायरेट एस का आता है, कॉपर का जब इंसान निष्कर्षण करते हैं तो उसके लिए भी वर्जन की प्रोसेस आती है, ठीक है ना। वो कैसे है देखो, वो भी थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है, कॉपर के जो एस है ये ना, कॉपर पायरेट CuFeS2, ये आपका एस है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपन वो गर्म करते हैं, वर्जन चल रहा है, वर्जन में कम्प्लीट चल रहा है प्रोसेस। तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये 2 नग ले पे लोगों ने, तो क्या बना, CO2S2FeS, यानी कि पहले तो ये जो मेटल है वो कन्वर्ट होते हैं सल्फाइड में। अब देखो ऊपर ध्यान से, 4 S है मेरे पास सल्फर, तो 2 तो एक तो यहाँ पे काम आ गया, 2 यहाँ पे गया, 1 बचा उसको अपन ने इसके साथ जोड़ा, SO2 बाहर हो गया। अब अगले स्टेपों में एक एक ले लेते हैं इनको, CO2S+O2, मैंने रेशियो बताया 2 और 3 का, क्या बन गया, ऊपर कन्वर्ट कर दो किसमें, CO2O में, पहले 2 CO2 और 2 मेरे पास सल्फर है, तो क्या निकल गया, 2 SO2 मेरी बाहर आ गई। हमने जिसकी बात करते हैं Fe की, तो 2 FeS लिया मैंने, और 3 क्या लिया मैंने, O2, तो मेरे पास क्या बना, 2 FeO, और साथ में क्या हो गई, SO2 मेरी 2 मॉलिक्यूल फ्री हो गई। इस तरीके से आपकी क्या होती है, भर्जन की प्रोसेस चलती है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना आप लोगों का कि भर्जन में वायु की प्रेजेंस होती है, और जो आपका निस्तापन उसमें वायु की एब्सेंस होती है, ठीक है। और बाकी दोनों काम एक ही करेंगे क्या, कि ऑक्साइड जो अयस्क है उनको किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं, ऑक्साइडों में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है।